सो गबरूस कैसे हो सारे के सारे। आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करनी थी। बहुत ज्यादा अमीर हो गया तुम्हारा भाई, पता है कैसे? क्योंकि मैं जीत गया हूँ 10 लाख रुपए। तो ये लेटर आया शॉप क्लूज की तरफ से, जिनके साथ हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो शॉप क्लूज ने मुझको ये सेंड किया एंड आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ एक एक करके कि ये किस तरीके से मैंने 10 लाख रुपए जीते। मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, अपना एड्रेस बहुत सारी जगह देता हूँ, अपना फ़ोन नंबर बहुत सारी शेडी वेबसाइट्स पर भी डालता हूँ जहाँ पर मुझको कोई क्लोथिंग आइटम अच्छी लगती है। अब इससे पता चलता है कि डेटा लीक और इन्फॉर्मेशन लीक कितना ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये जो अभी मेरे को 10 लाख रुपये मिलने वाले हैं तो ये 10 लाख रुपए मुझे शॉप क्लूज नहीं दे रहा गबरू, सॉरी आपका सस्पेंस तोड़ने के लिए, आपका भाई गरीब ही है। एनीवेज, तो गबरू गिवन लेटर मेरे को रिसीव हुआ था कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो चुका है मैं वीडियो अब बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम अब मिला है बैठ के आप लोगों से बात करने का। मेरे को ये वेबसाइट से आता है कि मतलब वेबसाइट नहीं सॉरी लेटर आता है मेरे घर पर, एक बिल्कुल एक्चुअल लेटर, एक ऐसा टैंजिबल लेटर मेरे घर पर आता है जिस पर मेरा बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, मेरा एड्रेस लिखा होता है और फ़ोन नंबर लिखा होता है, साथ ही साथ पूरी डिटेल लिखी होती है कि आपको मिलता है शॉप क्लूज की तरफ से बहुत बड़ा इनाम, आप होते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विनर। फिर मुझको याद आया यार मैंने कौन से ऐसे लकी ड्रॉ में पैसा डाल दिया, फिर मैंने नाम दे दिया, क्योंकि मैं इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ मेहनत के पैसे में बिलीव, और इन सब से अगर पैसा आ भी जाता है ना बाय चांस तो वो एक तरह से कहीं पर डोनेट कर देना चाहिए, किसी और के ऊपर उड़ा देना चाहिए, मैं वो मानता हूँ। तो फिर इट वॉज अ शेडी थिंग कि एकदम से यार ये मेरे को पैसा कैसे दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगा कि क्योंकि इनके साथ पार्टनरशिप हमारी खत्म हो चुकी थी जब हमने काम करके दे दिया था इनको, ये वीडियो इनको पसंद आ गई थी, हम खुश थे इनसे, वो अपने उससे खुश थे रिस्पॉन्स से, तो फिर ये चीज़ क्यों अब क्यों। फिर पता लगता है कि पूरे लेटर में लिखा है कि ये एड्रेस कोलकाता का है। अब आई वॉज क्यूरियस अबाउट दैट कि देखो मुझे पहले से ही पता था कि ये पूरा का पूरा फ्रॉड है, कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि 10 लाख रुपए ऐसे कोई भी नहीं देता लकी ड्रॉ में, ये सब पागल बनाने की बातें होती हैं। खास करके शॉप क्लूज जो कि अभी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है, फ्लिपकार्ट और उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा है, तब भी वो इतना पैसा क्यों दे रहा है और ऐसे कोई लकी ड्रॉ नहीं निकालता। उल्टा मेरे ख्याल से जिस बंदे ने ये लेटर सेंड किया था उसको ये नहीं पता था कि मैं शॉप क्लूज के साथ काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मुझको पता है उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है जो कि है गुड़गांव में, और इसका जो एड्रेस लिखा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का वो था कोलकाता का। अब मुझको लगा यार ये तो कोई बंगाली बाबू है जो पंगे ले रहे हैं हमसे, और बंगाली बाबू ने बहुत पंगे लिए हैं, और मैं एक करके चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या हुई है। उस लेटर के साथ ये 2 कूपन्स भी आए थे जो आपको देखने को मिल रहे हैं। इस पहले कूपन में लिखा है मेरा नाम और यहाँ पर लिखा है कि 10 लाख रुपए का मुझको कैश प्राइज मिलेगा विनर ऑफ shopclues.com ऑनलाइन शॉपिंग लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट, जो कि मैंने कभी किसी में पार्टिसिपेट करा भी नहीं तब भी मुझको ये मिल रहा है। देख रहे हो आप घर बैठे बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं, हम तो ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि घर बैठ के मेहनत करो पैसा कमाओ, हम ऐसे फिर वीडियो शूट पे जा रहे हैं धूप में सड़ रहे हैं तो अपनी स्किन जला रहे हैं, ऐसे ही कर लेते हैं ना घर बैठ के लखपति बनते हैं लकी ड्रॉ पे डालते रहेंगे। तो दूसरा जो इनवाइट आया है मतलब दूसरा जो कूपन आया है इस पे लिखा था स्क्रैच एंड विन, तो इस पर हम लोगों को स्क्रैच करना था, उसके बाद एक कोड लिखा हुआ है जो कि उन्होंने अपने आप ही जनरेट कर दिया होगा, ऐसी कुछ भी बकवास फालतू की पेल दी है, और इस पे लिखा है यू वॉन, एक मिनट मैं इस पे फोकस करता हूँ, इस पे लिखा है यू वॉन ₹10 लाख एंड उसका फ़ोन नंबर भी दे रखा है नीचे अगर आपको दिख जाएगा तो, बंगाली बाबू को बंगाली बाबू के नाम से बात करेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि यार इसको ऐसे नहीं छोड़ते, अगर ये बंदा अगर ऐसे छूट गया ना तो ये और लोगों को ही पागल बनाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा और फिर फ्रॉड करता जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल डम बन गया, मैंने अपने 2-4 अपने लौंडे दोस्त इकट्ठे करे, उनके साथ एक पूरी गेम प्लान करी, और फिर क्या हुआ आपको बताता हूँ। इस गेम प्लान में मेरी हेल्प करी मेरे 2 फ्रेंड्स ने, मुकुंद और आयुष ने। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं उनको बताया कि मैं 10 लाख रुपए जीत गया हूँ और अगर मैं बाय चांस से कैश प्राइज जीत गया ना तो 2-2 लाख तुम्हारे ऐसे फ्री में ले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से तो उन्होंने कहा कि वो 2 लाख मिलेंगे ऑलरेडी, उनको भी पता था वो भी मजाक ही कर रहे थे, तो फिर वो भी इस प्लान में शामिल हुए। हमारा प्लान बेसिकली सिर्फ ये था कि हम लोगों को डंप एक्ट करना था और इन्फॉर्मेशन निकालनी थी कि किस तरीके से ये स्कैम और किस तरीके से ये फ्रॉड काम कर रहा है, जो बंदा है बंगाली बाबू ये किस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद क्या, फिर हमने उसके नंबर पे कॉल किया, उसको बताया कि ऐसे ऐसे है, पहले तो वो सस्पिशियस होगा कि भैया आप बोल कौन रहे हो, तो फिर हमने बताया कि देखो आपके लकी ड्रॉ है ये क्या है इसका सिस्टम ये समझाओ हमको, तो वो कह रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो उसने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो, तो पता चल जाता है कि यार ये बंदा थोड़ा सस्पिशियस है, इसको और 15-20 लोग गालियां सुनाने के लिए फोन कर ही रहे हैं, ठीक है।
तो उसको फिर हमने कॉल करके बोला कि देखो हमारे पास ऐसे ऐसे आपका नंबर आया है और यहाँ पे लकी ड्रॉ हम लोग 10 लाख रुपए जीत गए हैं। तो कॉन्ग्रेट सर, आप 10 लाख रुपए जीतते हैं। बिल्कुल वो टेली होम शॉपिंग ब्रांड की तरह बोलता और बोलता कि आप 10 लाख रुपए का इनाम जीतते हैं शॉप क्लूज की तरफ से। ठीक है, हमने ज़्यादा यहाँ पर वो डिटेल में नहीं गए कि यार तुम्हारा कोलकाता में कैसे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था और हम उसको चाहते नहीं थे कि भनक भी लगे, हम बिल्कुल डम एक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये उस दिन की बात है। फिर जो नेक्स्ट डे हमने दोबारा कॉल किया उससे प्रोसीजर पूछने के लिए, क्योंकि उसने कहा था कि अभी ऑफिस बंद हो चुका है, मैं आपको कल बताऊंगा। वो भी ड्रामेबाजी कर रहा था, घर पे ही था, वो भी अपने घर बैठ के पैसा कमा रहा है, वो हम नहीं। तो उसने फिर वो कहा कि क्या नाम है कि, तो उसने फिर बोला कि कल आपको फ़ोन कर बताता हूँ। फिर उसका फ़ोन आया और उसने बोला कि आपको इतने मतलब पैसे मिलते हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह मेरे को सेंड कर दो। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार बैंक अकाउंट की डिटेल सेंड करी जाए या ना करी जाए। तो मैंने थोड़ा बहुत ना उल्टा टेढ़ा काम कर दिया, अपना अकाउंट नंबर ही गलत भेज दिया, स्टार्टिंग के 4-5 डिजिट है ना चेंज करके उसको भेज दिया, इधर उधर का कहीं का ब्रांच कोड डाल दिया। एंड उसके बाद फिर वो कहता कि अच्छा सर आपका मेरे को रिसीव हो चुका है, बिना अकाउंट नंबर चेक करे, बिना देखे कि वो पैसा ट्रांसफर हो भी रहा है या नहीं। तो उसने सीधा बोल दिया कि हाँ मेरे को आपका मिल चुका है, बिल्कुल ठीक है, अब आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। तब आता है कहानी में ट्विस्ट। जो चीज़ वो बताने वाला था इसको हम ऑलरेडी नेट पर सर्च कर चुके थे, उसी नंबर पर उसी एड्रेस पर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी स्कैम हो चुका था, ऑलरेडी वो स्कैम में फंस चुके थे। इस स्कैम का एक सिंपल सा मतलब था कि लोगों से कुछ कुछ पैसा निकलवाना है टैक्स के तौर पर। तो हमने ऑनलाइन जब सर्च करा था तो 2-3 बंदे बोल रहे थे कि मैंने ऐसे पैसे दे दिए हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि इतने मतलब बेवकूफ लोग भी होते हैं दुनिया में जो पैसे ऐसा देने के लिए रेडी होते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी प्रूफ के। और फिर जब नेट पे पड़ा तो पता चला कि हाँ यार ऐसा होता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस भी है, मोबाइल नंबर भी है, कई लोग हो जाते होंगे कंफ्यूज, लेकिन 10 लाख रुपए की बात आती है तो लालच तो सब में होता ही है। तो उसने हमसे ये कहा कि आपका ऊपर जो आपका लकी ड्रॉ है इसके ऊपर कुछ परसेंट टैक्स लग रहा है, वो आपको मुझको पहले देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये पैसा हम लोग दे देंगे। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, हमें पागल बना रहा है, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फिर वो मतलब हम लोगों ने उसको फिर ऑब्वियसली पैसे तो देने नहीं थे, इधर से उधर बात घुमानी थी। तो हमने उसको बोला कि यार तू 10 लाख रुपए आ रहे हैं उसमें से तू चल 1 लाख रुपए रख ले, कोई नहीं तू 1 लाख रुपए रख, हमें से क्या तू टैक्स लेगा 10%, तो 10,000 रुपए देके क्या करेंगे हम लोग, तू ले ले अपना 1 लाख रुपए ले ले। तो वो कहता सर नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो इधर उधर की बातें करने लग गया। अब बात आती थी कि हमने उसके साथ क्या किया, हमने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया। मेरे गला खराब हो रहा है। हमने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया और अगले मेरे ख्याल से किसी के साथ थोड़े टाइम तक तो स्कैम नहीं करेगा। बाय द वे ये वाली वीडियो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, ऐसे स्कैम्स बहुत सारे आ गए हैं ऑनलाइन, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन चीज़ों में, तो आप लोग इससे अवेयर रहो। कोई भी आपको बोले ना इतना पैसा पहले दे दो और ये कर लो, वो सब स्कैम है, साफ साफ समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फिर मेरा फ्रेंड है आयुष, उसने उसको कॉल बैक किया एंड बोला कि सर मैंने तो ट्रांसफर कर दिया आपको मैसेज, देखो उसने मैसेज में आयुष ने गालियाँ लिख के भेजी हुई थी, उसको बोला कि पढ़ के सुना। तो वो फिर हमको उल्टा मतलब बताने लग गया कि आपने ये लिखा है ऐसे करके। तो फिर आयुष चुपी ना हुआ, उसने जो जो गालियाँ दी वो मैं ये वीडियो 18+ हो जाएगी, अब बता नहीं सकता उसने ऐसी कैसी गालियाँ दी थी। उसके बाद फिर वो चुप हुआ और फिर जो ये था पूरा का पूरा केस शट डाउन किया गया। ऑल्दो जब उसके बाद इस नंबर पे हमने ट्राई किया था 1-2 दिन बाद, फिर से मैंने ट्राई किया था फ़ोन नंबर मिलाने का, देखने का कि ये अभी एक्टिव है या नहीं, क्या मैं इसको रिपोर्ट कर सकता हूँ साइबर क्राइम में या नहीं, बट वो फिर मेरे ख्याल से इनएक्टिव हो गया था। ऑल्दो ये रहा नंबर, अगर आप चाहते हो तो आप भी कॉल करके देख सकते हो और आप बोल सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे मेरा नाम है और मेरे को पैसा मिल गया है। तो या साइबर क्राइम और जितना ऑनलाइन इंटरनेट फैल रहा है उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लकी ड्रॉ ऐसा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है आपको, तो पहले कभी पैसा ट्रांसफ़र मत करो। अगर लकी ड्रॉ में आपने किसी पार्टिसिपेट भी किया है ना, तो पैसा आपको कभी नहीं देना पड़ता, आप हमेशा उस पैसों को उस TDS को, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी से आप पेमेंट ले रहे हो तो उसमें से आप कटवा सकते हो, ये आपका हक है। एंड इसमें कोई बात नहीं होती कि आपको अपना खुद का पैसा देना है, वो पैसा लेके चंपत होने वाला था और वो कभी आपको दिखता भी नहीं। ये थी पूरी की पूरी स्कीम, ये था पूरा का पूरा स्कैम और फ्रॉड। देखो गबरूज, मैं जानता हूँ मेरा काम है आप लोगों को फैशन सिखाने का, पर्सनैलिटी डेवलप करने का और बहुत सारी जो इंप्रूवमेंट्स लाइफ में एज अ मैन वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आने का, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक जनरल है, ये बहुत ज्यादा फैलनी चाहिए। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो, ऐसे किसी भी बंदे के स्कैम में ना फंसना, उल्टा उसको रिपोर्ट करना। एंड साथ ही साथ मेरा ये हक भी बनता है एज एन इन्फ्लुएंसर की मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन तो दूं, चाहे वो कहीं हटके भी हो, चाहे वो ऑनलाइन ही हो चाहे ऑफलाइन ही हो, क्योंकि आप लोग यार फैमिली हो और मैं फैमिली के कभी पैसे डुबवाना नहीं चाहूंगा। तो उससे अच्छा आपने हमेशा वो लाइन सुनी होगी ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो वही चीज यहां पर होगी। तो यार आज की वीडियो सिर्फ इतनी सी थी, इन्फॉर्मेटिव थी, अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, बाकी लोगों को स्कैम से बचाओ। एंड हम मिलते हैं एक और अगली वीडियो में मस्त सी। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, अर्बन गबरू आउट।